जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आपके नए सत्र के लिए जो एडमिशन होने हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। उसमें अभी तक लगभग 1000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है यूजी कोर्सेज के लिए। अब जो बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं, जिन बच्चों ने, वो अपने रिजल्ट को लेकर काफी चिंतित हैं, चाहे उनका फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर है, तो वो अपने रिजल्ट को लेकर काफी चिंतित हैं कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बीएड की काउंसलिंग में बैठना है या जिनको अपना पीजी में किसी कोर्स में एडमिशन लेना है। तो साथियों, बच्चों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत तेजी से कॉपियां चेक कराई जा रही है। आपका जो रिजल्ट है हो सकता है 10 सितंबर तक ही जारी कर दिया जाए, यानी कि 10 से 15 सितंबर के आसपास में आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि बीएड की काउंसलिंग भी होनी है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा फाइनल ईयर का, तो उससे पहले काउंसलिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि आपकी बीएड की काउंसलिंग है, कि आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो काउंसलिंग कैसे होगी, तो ये टेंशन आपकी नहीं है। यूनिवर्सिटी उसको रिजल्ट को पहले डिक्लेयर करेगी, उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। इससे आगे बात करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बीएड के फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरे जा रहे थे एग्जाम फॉर्म, उसकी 16 अगस्त लास्ट डेट थी। लेकिन बच्चों की फैसिलिटी के लिए जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए एक और मौका दिया गया है, तो वो अब अपना एग्जाम फॉर्म बीएड का फर्स्ट ईयर का अब 30 अगस्त तक भर सकते हैं, यानी कि 30 अगस्त तक मौका दिया गया है, 30 अगस्त तक वो अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं यदि आप किसी कारणवश अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपका पीट का एग्जाम कैसा हुआ है, आपको क्या उम्मीद है, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा ही हुआ होगा। अब साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारा एलएलबी कोर्स है, एलएलबी में जिनके एग्जाम 2020 में हुए थे और किसी कारणवश उनके प्रैक्टिकल छूट गए थे, तो उनके लिए एक मौका दिया गया है। तो उनके जो प्रैक्टिकल है वो 28 तारीख को होने वाले हैं, मेरठ कॉलेज में 28 तारीख को इनको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। और यदि आप अपना प्रैक्टिकल ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपको कल तक, यानी कि 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करना अनिवार्य है। तो यदि आप 25 तारीख तक अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो सबमिट कर देते हैं तो फिर आप ऑनलाइन भी अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं, और यदि आप फाइल कल सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ही अपना प्रैक्टिकल देना होगा। इसमें वही बच्चे प्रैक्टिकल दे सकते हैं जिन बच्चों ने अपना 2020 में एग्जाम दिया था और जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल छूट गया था उसके लिए अप्लाई किया था। और इसमें जो आपके प्रैक्टिकल देंगे वो आपके फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और आपका टेंथ सेमेस्टर वाले बच्चे ही प्रैक्टिकल दे पाएंगे। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।